हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको नाइन्थ का दूसरा चैप्टर काबुलीवाला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। बच्चों, अगर मेरे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बेटा बताइएगा आपको चैप्टर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो बताइए कि आप जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं तो मैं धीरे कर दूंगा, है ना, धीरे स्पीड करूंगा अपनी पढ़ाने की, लेकिन आप मुझे बताइए। देखिए, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले कीवर्ड्स देखें फिर उसके बाद में समरी सुनाऊंगा आपको, है ना। देखें बेटा, इंस्टेंस उदाहरण से कहते हैं, एग्जाम्पल से, ठीक है। डार्टिंग, DARTING ओ डबल एफ, डार्टिंग ओवर अचानक से बोल पड़ना, ठीक है। और है कॉन्ट्राइव्ड, यह उपाय किया है। पेडलर मानता है हॉकर, जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं वो पेडलर कहलाते हैं, ठीक है। और प्रेकेरियस मतलब हानिकारक या संकट मूड, है ना, हानि करने वाला। और रेजिन्स होता है किसमिस, और क्लंग माने चिपक गए, ठीक है। और ब्राइबरी है BRIBERY, ठीक है बेटा। ब्राइबरी होती है रिश्वत जो होती है, रिश्वत रुपये। और डिमोर मान होता है हिचकचाहट या हलचल होती है, हिचकचाहट या हलचल भी कहते हैं इसको, ठीक है। न्यू फेंगल्ड मान होता है आधुनिक विचारों वाला। और डिसकम्फिटेड होता है पराजित किया। और विटीसिज्म होता है हंसी मजाक की बातचीत करते रहना, उसे विटीसिज्म कहते हैं। ग्लीन्स दर्रा होता है। और डिफाइल्स छोटे या तंग मार्ग, ठीक है, डिफाइल्स कहलाते हैं। और सबसाइड माने होता खो जाना, ठीक है ना, सबसाइड को कभी पर शांत करना भी कह देते हैं। और थ्रेस्ट माने होता धुनाई कर दिया, पिटाई लगा दी, कूट दिया। और थ्रॉब्ड माने जोर से धड़कता है या जोर से धड़क पड़ा। स्लंग माने होता लटकना। और श्रेंग माने सिकुड़ गई। और सैंडल माने चंदन होता है। और कनोपी चांदनी मतलब जो आपने देखा चांदनी तंबू लगा लेते हैं, जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो चांदनी लगती है खुले में, तो उसे लिखा है मैंने खुला ढकने वाली कपड़े की वो चांदनी होती है, उसे हम कैनोपी कहते हैं, ठीक है, आप लोग जानते भी हैं। अब बेटा लेते हैं इसकी समरी, और देखिएगा चैप्टर की मैं समरी आपको कराता हूँ, बुक मेरे पास है, समरी मैं आपको कराता हूँ। इसमें क्या है, ये 5 ईयर्स ओल्ड डॉटर है मिनी, ठीक है, मिनी नाम की लेखक की एक पुत्री है, ठीक है बेटा, धीरे धीरे समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना बेटा। उसे कुछ ना कुछ बोलते रहने की आदत है, चैटरिंग है ना, चैटरिंग बॉक्स बुक है। लेखक बहुत ही विचारवान, धैर्यवान, उदार और दयालु हृदय वाला है, मतलब लेखक है उसकी आदत बहुत अच्छी है। वह उसकी सारी बातों को सुनता है। एक सुबह जब मिनी लेखक के पास बैठी हुई थी, है ना, तो वह अचानक ही खिड़की की ओर दौड़ी और वह चिल्ला रही थी। क्या चिल्ला रही थी बेटा, वो मतलब क्या चिल्ला रही थी, देखिएगा, वो कह रही थी ओ काबुलीवाला, मतलब इस तरह की आवाज़ लगा रही थी, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, है ना, काबुलीवाला ओ काबुलीवाला, है ना, ये देखो काबुलीवाला, इस तरह से बच्ची चिल्ला रही है, ठीक है, ओ काबुलीवाला। अब काबुलीवाला वहाँ गली में था, वहाँ पर काबुलीवाला था गली में, उसके कपड़े ढीले डाले और गंदे थे, वह एक पगड़ी पहने हुए था और उसकी पीठ पर एक थैला था, वह अपने हाथ में अंगूरों की पेटियाँ लिए हुए था, मतलब अपना सामान लिए हुए था, ठीक है। वह काबुलीवाला आ गया, मतलब वो बच्ची कहती है काबुलीवाला आ गया। मिनी भयभीत थी, वह अपनी माँ की सुरक्षा पाने के लिए भागी। उसके अंदर यह एक अंधविश्वास था कि उसके थैले में 2-3 शायद बच्चे पड़े हुए हैं, शायद ये बच्चों की पकड़ कर लेते हैं। कौन चिल्लाया, बच्ची ने सोचा, लेखक ने सोचा कि मिनी को अपने असत्य भय से छुटकारा मिलना चाहिए, इसलिए उसने उसे पुकारा, वह आ गई। परंतु वह अपने पिता के पास जाकर खड़ी हुई और उसने काबुलीवाला की ओर संदेह से भर करके देखा, अंदाज अर्थात संदेह भरी नज़रों से उसने देखा, डाउट से, है ना, डाउट इंक्रीज्ड, उसका डाउट और ज़्यादा बढ़ गया। अब देखो बेटा आगे समझने की कोशिश करेंगे बेटा आप, हैं
कुछ और अधिक दिनों के बाद एक दिन सुबह लेखक ने देखा कि मिनी दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठी हुई थी। वह काबुलीवाला के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी। मतलब लेखक को ताज्जुब हो गया कि आज वो बैठी हुई है ना, सीटेड, देखो सीटेड ऑन द बेंच नियर द डोर, है ना, बैठी हुई थी और काबुलीवाला से बातें गपक रही थी। समझ में आ गया होगा, वह काबुलीवाला के साथ बातें कर रही थी और हंस भी रही थी। उसने उसे बादाम और किशमिश दे दिए। किसने? काबुलीवाला ने बादाम और किशमिश दे दिए। किसको दे दिए? किसको दे दिए? मिनी को दे दिए, है ना। इसके बाद काबुलीवाला लगभग रोज आता था। बच्ची का भय दूर भाग चुका था। अब दोनों ही बड़े अच्छे मित्र बन गए। वे बहुत प्रकार की मनोरंजक बातें में लिप्त हो जाते थे। मिनी की माँ को संदेह था, कोई अपने पति से कहती थी कि इस आदमी पर नज़र रखना, ये इस तरह के लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं ना, और उन्हें काबुल में ले जा करके गुलाम बना लेते हैं, ध्यान रखना। कौन कह रहे हैं? मिनी की माँ कह रही हैं, है ना। आगे देखें बेटा, अब क्या हुआ। इसके बाद साल में एक बार जनवरी का महीना होता था, वो तो होता ही है। तब रहमत अपने देश को जाया करता था। उसका नाम, काबुलीवाला का नाम क्या था? रहमत। क्या नाम था? रहमत। वह घर घर जाता, है ना, घर घर जाता था और अपने पैसे इकट्ठे करता था। कौन से वाले पैसे? जो वो उधार सामान बेचता था। एक दिन सुबह लेखक ने बाहर गली में कुछ शोर सुना। उसने देखा कि दो पुलिस वाले रहमत को पकड़े हुए थे और उसके कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए थे। उसके, है ना, उसके एक हाथ में चाकू भी था, है ना, वो पुलिस वालों ने ले लिया था। लेखक को यह पता लगा कि किसी पड़ोसी ने गलत तरीके से उसके पैसे वापस करने से मना कर दिया था। झगड़ा बढ़ गया और रहमत ने उस पर चाकू से वार कर दिया। उसे कुछ वर्षों के लिए जेल भेज दिया जा रहा है। इसलिए इसे जेल ले जा रहे हैं पकड़ करके, है ना, जेल के लिए पकड़ कर ले जा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखो। अब कुछ वर्ष समय बीता, है ना, ऑटम मतलब अब बीता और पतझड़ का समय था। समझ में आ रहा होगा। मिनी के विवाह की व्यवस्थाएं चल रही थी। अब मिनी बड़ी हो गई, है ना, रहमत अपनी जेल काट के आ रहा है। लेखक ने यह देखा कि रहमत वापस आ गया है। उसके पास कोई थैला नहीं था, क्योंकि जेल से आया था ना, नहीं उसके पास लंबे लंबे बाल थे। लेकिन वह मुस्कराया। उसने बताया कि उसे पिछली शाम को जेल से रिहा कर दिया गया है। उसने सोचा वह कली अभी अभी आया है शाम को। लेखक ने कहा कि वह व्यस्त है और किसी और दिन आ जाइएगा। वह जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन रुक गया और उसने यह पूछा कि क्या वह छोटी बच्ची मिनी से मिल सकता है। लेखक ने कहा कि वह नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ रीति रिवाज घर में चल रहे हैं। वह फिर चल दिया, लेकिन दोबारा फिर लौट पड़ा और उस छोटी सी जो बालिका थी अर्थात मिनी, उसे कुछ भेंट के लिए वस्तुएं जो पहले देता था ना, वो भेंट के लिए वस्तुएं दे दी कि आप जे मिनी को दे देना। लेखक इसके लिए रुपया देना चाहता था, लेकिन उसने लेखक का हाथ पकड़ लिया और बोला कि मेरे अपने घर में मिनी की ही तरह से मेरी एक छोटी पुत्री भी है। बस अपनी पुत्री के बारे में सोचता हूँ और इसी को अपनी बेटी मान लेता हूँ। मिनी के लिए बस फल लाता था, वह लाभ कमाने के लिए ये सारी चीज़ नहीं लाता था। उसने एक गंदा सा कपड़ा का टुकड़ा भी दिखाया। उसने मतलब उस पर एक गंदा सा कागज़ का टुकड़ा भी था जिसमें उसने एक छोटे हाथ की छाप लगी हुई थी। लेखक भी भावुक हो गए। उसने मिनी को पुकारा। वह अपनी शादी की पोशाक में रेशम से बनी हुई लाल रंग की साड़ी पहने हुए आई। रहमत ने एक गहरी सांस भरी और फर्श पर बैठ गया। वह सोच रहा था कि उसकी अपनी पुत्री बड़ी हो गई होगी और दूसरे लोग आएंगे और उसकी पुत्री का परिचय देंगे। ऐसा वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। अब इतने में क्या हुआ, इसके बाद जब ये आती है तो वो अपने घर के बारे में खो जाता। लेखक ने रहमत को बैंक का एक धनादेश पत्र दिया। उसे यह सलाह दी कि वह अपने देश को वापस चला जाए। लेखक को अपने खर्चे
में कुछ कटौती करनी पड़ी, मतलब लेखक ने अपने खर्चे में कटौती करके और उसे पैसे दे करके उसकी मदद करके उसे अपने स्वदेश भेज दिया। तो देखिए ये आपको आज रही, क्योंकि वो अपने देश जाएगा, अपनी बेटी से आके मिलेगा, है ना। तो ये आपकी समरी और इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स रहे, और ये कुछ मीनिंग्स बेटा दिए हुए हैं, ये भी आप कर लेना, ठीक है, बुक में जो दिए हुए एम्बार्क्ड, मर्मर्ड, लाउड, एस्केप, डिसअपीयर, अलमाउंड, तो बेटा ये भी कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप पहले वर्ड मीनिंग तैयार करें और इसकी समरी तैयार करें। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।